किसी की दिली ख्वाहिश होती है उसका खुद का बिजनेस हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सपना पूरा हो पाता है। उन्हीं में से एक हैं इला प्रकाश सिंह, जिन्होंने न सिर्फ खुद का बिजनेस शुरू करने की हिम्मत दिखाई बल्कि आज करोड़ों में कमाई भी कर रही हैं। चलिए आपको बताते हैं उनके संघर्ष से सक्सेस तक की इंस्पायरिंग स्टोरी। गुरुग्राम की रहने वाली इला ने वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नौकरी शुरू की और चेन्नई के चोल शेरेटन में काम करने लगी, लेकिन काम में उनका मन नहीं लगा तो कोलकाता के ताज बंगाल में सेल्स व मार्केटिंग डिवीजन में जॉब करने लगी। उसी दौरान इला की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ गुरुग्राम सेटल हो गई। शादी के बाद उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। करीब 2 सालों तक उन्होंने परिवार को बखूबी संभाला और जुड़वा बच्चों की देखभाल की, लेकिन खुद का बिजनेस करने का उनका सपना अधूरा था। फिर दोस्तों की सलाह पर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने की सोची। इला ने अपने पति और एक दोस्त की मदद से 2007 में ट्रफल टैंगल्स नाम से होम बेकरी का वेंचर शुरू किया। दरअसल उस समय उनके शहर में ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां अच्छी क्वालिटी के पेस्ट्री केक मिलते हों। यहीं से इला को बेकरी खोलने का आइडिया आया। शुरुआत में उन्होंने चॉकलेट ट्रफल केक बनाया जो लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद उन्होंने फूड मेलों में स्टॉल लगाने शुरू किए और धीरे धीरे उनकी बेकरी का काम चलने लगा। इला बताती हैं कि उन्होंने होम बेकरी का काम इसलिए शुरू किया ताकि वह अपने बच्चों की देखभाल भी कर सके। शुरुआत में उन्होंने महज 5,000 रुपए खर्च करके बिजनेस शुरू किया, लेकिन आज वह रोजाना 10,000 और महीने में आज 3 लाख रुपए कमा लेती हैं। इस हिसाब से उन्हें सालाना में करोड़ों की कमाई हो जाती है। वह अपने बेकरी में केक के अलावा कुकीज, केक्स ग्लूटेन, चॉकलेट्स, डेजर्ट भी बनाती हैं। साथ ही उनके बनाए पेस्ट्रीज, स्टफ्ड बंस की भी खूब डिमांड होती है। इला ने बिजनेस के मेन्यू से लेकर मार्केटिंग की सारी जिम्मेदारी खुद संभाली और ऐड दिए। इसके लिए उन्हें बर्थडे पार्टी के लिए भी ऑर्डर्स मिलने लगे। हालांकि उनके पति कई बार केक की डिलीवरी देने जाते थे जिनसे उन्हें काफी सपोर्ट मिला। इला का मानना है कि जिंदगी में मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। बहुत कम औरतें होती हैं जो शादी के बाद अपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोच पाती हैं, लेकिन इला ने न सिर्फ सोचा बल्कि उन्होंने खुद को साबित भी किया। आपको इला की इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।